बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत के जाने की खबर अब सभी के लिए बेहद शॉकिंग थी। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री और फैंस तक को सुशांत के जाने से बड़ा झटका लगा था। किसी का भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि हंसते खेलते सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक महत्वाकांक्षी कलाकार थे। उन्हें बेहतरीन फिल्में करने का शौक था और वह बड़े बड़े सपने भी देखा करते थे और उन्हें फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। सुशांत सिंह राजपूत फैंस को हमेशा यह सीख देते थे कि कोई सपना छोटा नहीं होता और उसे देखने की कोई उम्र नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने 50 सपनों की लिस्ट बनाई थी। लिस्ट को उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया था। सुशांत सिंह राजपूत अंतरिक्ष के दीवाने थे। उन्हें अंतरिक्ष के बारे में जानने, नासा में काम करने का शौक था। साथ ही वह स्पोर्ट्स के भी फैन थे। इसके अलावा वे दुनिया को एक बेहतर जगह भी बनाना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सपनों की लिस्ट में बताया था कि उन्हें प्लेन उड़ाने से लेकर नेत्रहीन लोगों को कंप्यूटर कोडिंग सिखानी थी। सुशांत को गाड़ियों का भी खासा शौक था और वह लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना चाहते थे। सुशांत एक अच्छे एक्टर के अलावा संवेदनशील इंसान भी थे। वो पर्यावरण के लिए भी योगदान देना चाहते थे और 1000 पेड़ों को लगाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने एक नासा में वर्कशॉप अटेंड की। इसके बाद उन्होंने साल 2017 में 2 बच्चों को नासा में पढ़ाई के लिए भेजा था, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। सुशांत बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। नासा से बार बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने एक बेहतरीन टेलीस्कोप खरीदा था, जिससे वह आसमान में झांका करते थे। सुशांत सिंह ने अपनी लिस्ट में से बहुत से सपनों को पूरा कर लिया था। हालांकि बचे हुए सपने हमेशा के लिए अधूरे ही रह गए। सुशांत का अचानक दुनिया को छोड़ जाना उनके सपनों और जिंदगी का अंत था, जिसे शायद ही कभी उनके चाहने वाले और परिवार भुला पाएगा।